हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। आज की जो हमारी वीडियो है वो एनपीएस के टायर टू अकाउंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं उससे रिलेटेड है। ये वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट की थी यूट्यूब पे, लेकिन उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड ना करने की वजह से यूट्यूब ने उसको हटा दिया था, तो ये वीडियो मैं दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं एनपीएस टायर टू अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करते हैं। टायर वन अकाउंट हमारा पहले से एक्टिवेट होता है, जो गवर्नमेंट में नई ज्वाइनिंग के टाइम पे फॉर्म फिल करते हैं हम, उसी टाइम एक्टिवेट हो जाता है, प्राण नंबर अलॉट हो जाता है हमें। उसके बाद टायर टू अकाउंट हमें खुद एक्टिवेट करना पड़ता है। इसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। ये जो इसमें हम पैसे डालते हैं ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होता है इन्वेस्टमेंट। इस पे इंटरेस्ट हमें मिलता रहता है, जैसे 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 म्यूचुअल फंड में मिलता है सेम एज इट इज़ ऐसे ही। टायर टू अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे इस लिंक पे, CRANSDL.com। उसके बाद यहाँ ये थर्ड नंबर पे ऑप्शन है एक्टिवेट टायर टू अकाउंट, इस पे क्लिक किया, ये हमारा पेज ओपन हो चुका है। इसमें हम सबसे पहले अपना प्राण नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद हमें एंटर करना होता है पैन नंबर। इसके बाद कैप्चा एंटर करेंगे और उसके बाद वेरीफाई प्राण। इसमें जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा प्राण के साथ, उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करना है हमें यहाँ पे। इसके ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये टायर टू एक्टिवेशन फॉर्म ओपन हो चुका है मेरे पास। इसमें बैंक डिटेल्स हम जो टायर वन में है हमारी सेम वही फिल कर देते हैं और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। इसमें कुछ डिटेल्स हमारी मिसिंग हैं, जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उसका ये पोको पाया है, तो अब मैं उनको मैनुअली एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे स्टेट हरियाणा, ये जिस पे स्टार लगा हुआ है ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये फिल करने हमें ज़रूरी होते हैं। सब एंटर करने के बाद जैसे बैंक का आईएफएससी कोड है, ये आईएफएससी कोड यहाँ पे इसमें टायर वन अकाउंट में ऐड नहीं है, इसको मैनुअल एंटर कर देता हूँ। इसको फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड। मेरी रिक्वेस्ट इनिशिएट हो चुकी है, अब मुझे स्कीम सेलेक्ट करनी है इसमें, जो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा वो कौन सी स्कीम में लगाऊँ। ये हमारे पास कुछ बाई डिफ़ॉल्ट स्कीम्स हैं, इसमें इनमें ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप गूगल पे पिछले 3 या 5 साल का रिटर्न इस इनके बारे में सर्च कर सकते हो, कौन सी स्कीम कितना रिटर्न दे रही है, उसके हिसाब से आप इनमें से कोई सी भी स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें ऑटो और एक्टिव दो में से पहले ये एक सिलेक्ट करना होता है। ऑटो में ये अपने आप यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस में इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। इसके बाद भी मॉडरेट, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव तीन ऑप्शन आई हैं, इनमें से एक सिलेक्ट करना है हमें। इसमें एग्रेसिव में सबसे हाई रिस्क होता है, कंजर्वेटिव में सबसे कम, और मॉडरेट इन दोनों के बीच का है, तो मॉडरेट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, जब भी आपको चेंज करना हो अपनी पसंद के हिसाब से। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये नॉमिनेशन डिटेल मांगता है। नॉमिनेशन में सेम एज टायर वन में जो मैंने नॉमिनेशन डिटेल्स फिल कर रखी हैं उसी पे मैंने क्लिक कर दिया, इसने वही उठा लिए हैं। और ये मेरे दो नॉमिनी हैं, वही आ गए हैं। उसके बाद सेव एंड कन्फर्म। अब ये दो डॉक्यूमेंट मांगता है हमसे, पैन कार्ड और कैंसल चेक, तो ये आपको पहले ही सेव करके स्कैन करके रख लेने हैं, मैंने इसमें डाले हुए हैं।
तो मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले पैन कार्ड सिलेक्ट किया, उसके बाद कैंसल चेक, दोनों को चूज़ करके और अपलोड पे क्लिक कर दिया। ये मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड तक सारे स्टेप्स हो चुके हैं, ये एक बार वेरीफाई करवाता है। उसके बाद अगर कुछ चेंज वगैरह करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एडिट करके। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा से सारे। डॉक्यूमेंट अपलोड तक होने के बाद फिर हमें इसमें फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पेमेंट करनी होती है। मिनिमम 2,000 की पेमेंट मैंडेटरी है हर साल। अगर हर साल में कुल मिला के टोटल में अगर 2,000 की पेमेंट नहीं होगी तो ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं 2,000 ही डाल देता हूँ इसमें फर्स्ट पेमेंट के लिए। SBI ई पे गेटवे मैंने सेलेक्ट कर लिया, जो पेमेंट गेटवे होता है हमारा। इसके बाद ये आपको SBI ई पे वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग और भीम UPI। मैं UPI ID से पेमेंट कर रहा हूँ। UPI ID आपको एंटर करनी है, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी UPI ऐप पे लिंक भेजेगा ये, उसको एक्सेप्ट पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए और रिजेक्ट करने के लिए। वहाँ से आपको इसको एक्सेप्ट करके प्रोसीड टू पे करना है। वहाँ से पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद पेमेंट हो जाएगी। ये मेरी पेमेंट कंफर्म हो चुकी है सक्सेसफुल, इसमें ट्रांजैक्शन स्टेटस में सक्सेसफुल आ चुका है। ये फर्स्ट पेमेंट 2,000 की करने के बाद फिर हम इस पेमेंट रिसिप्ट को भी और जो टायर टू एक्टिवेशन फॉर्म होता है उसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैं पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद टायर टू एक्टिवेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे सेशन एक्सपायर दिखाता है। इसको हम दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा हमें। अब फॉर्म को ई साइन करने के लिए ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन था उसके नीचे ही लिंक है, ई साइन टायर टू एक्टिवेशन फॉर्म। इसको डिजिटली साइन करने के लिए मैं दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। लॉग इन करने के बाद ये मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। अगर मुझे ई साइन करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, अगर फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के कूरियर से भेजना है तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है। ई साइन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। और
साइन के लिए आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि उस पर OTP आएगा। अगर लिंक नहीं है तो फिर आपको फॉर्म मैनुअल डाउनलोड करके भेजना पड़ेगा, ई साइन हम उसको नहीं कर सकते। जैसे ही हम OTP वेरीफाई करते हैं, हमारा फॉर्म डिजिटली साइन हो जाएगा। ये फॉर्म डिजिटली साइन हो चुका है, मैं डाउनलोड ई साइन फॉर्म पे क्लिक करूँगा। ये फॉर्म डिजिटल साइन जो किया था हमने वो डाउनलोड हो चुका है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखा भी देगा, ये आया हुआ डिजिटली साइंड बाई वरुण। तो ये प्रोसेस था डिजिटली साइन करने का। ये फॉर्म अब हमें मैनुअल भेजने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 दिन के अंदर आपका टायर टू अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस टायर टू अकाउंट एक्टिवेट करने का।